नमस्ते, मेरा नाम गोपाल कामत है और मैं एक रेस्टोरेंट ओनर हूँ और फाउंडर हूँ गेट योर रेस्टोरेंट चैनल का। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो गेट योर रेस्टोरेंट ये चैनल पे आपको रेस्टोरेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है, रेस्टोरेंट रिलेटेड जानकारी मिलती है, पूरी जानकारी जिससे आपको आपका खुद का रेस्टोरेंट आप चालू कर सके, आप चला सके, आप उसमें प्रॉफिट्स का फ़ायदा कर सके, वो पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। मेरा जो 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, 15-20 साल का तजुर्बा है, उससे मैं ये चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अगर आपको इस रेस्टोरेंट बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आपको अभी सलाह देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ये चैनल क्लोज करके दूसरे चैनल पे जाइए, क्योंकि ये आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम साबित हो सकता है। तो ये कहने के बाद आज के मेरे टॉपिक पे चलते हैं। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना चाहता हूँ, उसका नाम है मेनू प्राइसिंग। आपका मेनू, आपका फूड, आपका जो खाने के आइटम्स आप कस्टमर्स को, आपके गेस्ट को सर्व करने वाले हैं, उसका कॉस्टिंग कैसे निकालें, उसका प्राइसिंग कैसे निकालें, कैसे तय करें कि आप कौन से डिश को कितना रुपया लगाएंगे, कौन से डिश का सही दाम लगाएंगे जिससे आपको भी दो पैसे फायदा हो और आपके कस्टमर को भी वो ज़्यादा महंगा नहीं लगे, और आप ये फायदा करके आपका रेस्टोरेंट एवरीडे हर दिन प्रॉफिटेबल तरीके से चला सके और आपके एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी सके। तो ये वाला जो मेनू प्राइसिंग का स्टेप है, ये मेरे 9 स्टेप प्रोसेस में 8वें स्टेप पे पड़ता है। ये वाला मेरा जो 9 स्टेप प्रोसेस है, इसका नाम है रेस्टोरेंट लॉन्च फॉर्मूला। तो मैं इतने साल से ये रेस्टोरेंट के बिजनेस में हूँ कि मैं ये रेस्टोरेंट का जो रेस्टोरेंट बिल्ड करना, प्लान करना और बनाने का प्रोसेस है, उसको एक फॉर्मूला के तहत मैंने डिस्टिल किया हुआ है। आपको ये रेस्टोरेंट लॉन्च फॉर्मूला ये डाउनलोड अगर करना है तो आप फ्री डिस्क्रिप्शन में जाके, नीचे वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ पे जाके लिंक क्लिक कर सकते हैं और आप ये रेस्टोरेंट लॉन्च फॉर्मूला डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वीडियो के टॉपिक पे, जिसका नाम है मेनू प्राइसिंग। पहले तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि प्राइसिंग की क्या जरूरत है। आप डायरेक्टली जाके आजू बाजू के रेस्टोरेंट में जो भी मेनू चल रहा है उसका मेनू कॉपी कर सकते हैं, उसका प्राइसिंग कॉपी कर सकते हैं। आपको क्यों इतना मैं जो कह रहा हूँ वो सब करने की जरूरत है, उसका एक ही रीजन है। अगर आपको प्रॉफिट्स करना है, अगर आपको फायदा करना है आपके बिजनेस में, मेरे हिसाब से तो रेस्टोरेंट बिजनेस या कोई भी बिजनेस, ये इसका सबसे पहला और सबसे आखिरी मुद्दा होता है प्रॉफिट्स, फायदा। अगर आप फायदे के लिए कोई चीज नहीं करें और आपका ध्यान अगर उस चीज के ऊपर से हट जाए तो आपका रेस्टोरेंट लॉस में जाने के लिए देर नहीं लगेगी। आपने एक लेजर आई व्यू से, आपने एक ईगल के आई के नजर से आपके प्रॉफिट के ऊपर ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जिंदगी का सवाल है, आपके भवितव्य का सवाल है, और सबसे मेन मतलब आपने जब अगर रेस्टोरेंट चालू किया है तो आप रेस्टोरेंट कोई समाज सेवा के लिए नहीं करते हो, लोगों का पेट भरने के लिए नहीं करते हो, लोगों की प्यास बुझाने के लिए नहीं करते हो, ये सब चीज़ें तो होती हैं। आप धंधा कभी भी पैसा कमाने के लिए करते हो। तो मुझे मालूम है कि मैं थोड़ा सा इसमें रूड लगूंगा, बट ये कॉमन सेंसिकल जो चीज़ है ये बहुत लोग भूल जाते हैं और वो उनका जो प्रिंसिपल्स है वो अलग दिशा में जाके लॉस कर बैठते हैं। पहला पॉइंट जो मेरा है, जिसमें आप चूज आपका मेनू प्राइसिंग में जो आप पॉइंट ध्यान में रखें वो है इनपुट कॉस्ट। कौन से कितने कॉस्ट्स हैं आपको, कितने सारे चीजों में आपको खर्चा आ रहा है, जो जो चीजें आप खरीद रहे हैं, और बहुत सारी चीजें जो आप ध्यान में रखें आपको प्राइसिंग की तरफ, क्योंकि आपको जब भी आपका इनपुट कॉस्ट पता नहीं होगा या आप अगर उसको कंसीडर नहीं करेंगे तो आप आपका प्राइसिंग कैसे सही कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ध्यान रखने जैसी है ये इनपुट कॉस्ट में। पहला इज दी रेंट या फिर लायबिलिटी। आपका कितना रेंट है, आपके जगह का रेंट कितना है। अगर आपके जगह का रेंट काफी है और आप एकदम सस्ती आइटम्स बेच रहे हैं, और अगर आपने उतने आइटम्स नहीं बेचे,
उतना वॉल्यूम कवर करने के लिए, तो आपको लॉसेस हो सकते हैं. सेकंड इज द लेबर कॉस्ट, कितना आपका सैलरी है, वेजेस है, आपके मैनेजर का सैलरी, आपका टोटल सैलरी कितना है, आपका ओवर टाइम कितना है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है. थर्ड इज द रॉ मटेरियल, क्या क्या चीजें आप खरीद के लाते हैं बाहर से, तेल, चावल, आटा, रोल, प्रिंटर का रोल, मटेरियल्स, एवरी जो चीजें आप बाहर से खरीद के लाते हैं वो सब चीजें आपको कॉस्टिंग में आनी बहुत जरूरी है. एनर्जी कॉस्ट, आपका एनर्जी कॉस्ट कितना है, आपका गैस का बिल कितना आता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है, आपका गैस में आप कितना खर्चा करते हैं, और अगर आपका तंदूर है आपके पास तो कोयले में कितना खर्चा आता है, वो सब चीजें कॉस्टिंग में लेना बहुत जरूरी है. और मेन मतलब आपको आपको प्रॉफिट्स भी ऐड करना है. ये बहुत सारे लोग फायदे का अपना अपना फायदा जो है उस फायदे को लोग एक्चुअलिटी में नहीं ला पाते और वो ऐड नहीं करते. जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आपका नंबर वन जो दे है प्रॉफिट्स होना चाहिए. तो आपने आपका मिनिमम 20-25-30% प्रॉफिट का परसेंटेज लगाना इस प्राइसिंग में बहुत ही जरूरी है. सो इसके अलावा भी जितने कॉस्ट्स आपको आएंगे उसने वो आपको ध्यान में रख के उसको कैलकुलेट करने के टाइम पे, वो डिश कैलकुलेट करने के टाइम पे वो दिमाग में रखना बहुत जरूरी है. सेकंड इज आपका कौन से टाइप का रेस्टोरेंट है, ये वेदर अगर वो वॉल्यूम में है या एक्सक्लूसिव में. वॉल्यूम मतलब मासेस, बहुत सारे लोग. मान लीजिए आपका जो रेस्टोरेंट है वो बेसिक रेस्टोरेंट है और वो एक एसटी स्टैंड के सामने है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और आपके यहाँ पे खाना खाने आते हैं. तो जब भी बहुत सारे लोग आते हैं तभी आपका वॉल्यूम ज्यादा होता है, और जब भी आपका वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा होता है तभी आप आपका एक प्राइसिंग एक हद से ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि जो मासेस होते हैं उनका उनके स्पेंडिंग कैपेसिटी होता है, उनको खर्चा करने के लिए भी उनका एक लिमिट होता है, और अगर आप थोड़ा ज्यादा लेंगे तो वो इमीडिएटली दूसरे आपके कॉम्पिटिटर्स के पास जाएंगे. तो वो प्राइसिंग होना बहुत जरूरी है. एक्सक्लूसिव इन द सेंस, अगर आपका प्रीमियम रेस्टोरेंट है, अगर आपका लाउंज है या फिर एसी रेस्टोरेंट है जो प्रीमियम जगह पे है, तो आपको प्राइसिंग थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल कम हो जाते हैं और उनको एक्सपीरियंस का कॉस्ट उनको ज्यादा देना, वो ज्यादा देते हैं आपको. खाना तो देते ही है, खाने के साथ एक्सपीरियंस भी ऐड होता है. अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में एक्सपीरियंस का कोई कॉस्ट नहीं होता, ना ही आपको एसी चाहिए, ना ही हाईफाई रेस्टोरेंट चाहिए, नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी आपका काम चल सकता है. सो टाइप ऑफ रेस्टोरेंट फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरी बात है आपका वेस्टेज, आपका वेस्टेज और आपका पिलफरेज कितना है, कितना खाना आपके किचन में आपका शेफ या आपका कुक रात को फेंकता है. ये चीज बहुत लोग मिस करते हैं और बाद में सोचते हैं कि मेरा प्रॉफिट कहाँ गया. मेरा एक फ्रेंड है जिन्होंने रेस्टोरेंट चलाया था 6-8 महीना, मैं उनके साथ तभी टच में नहीं था, बट इनफैक्ट सब चीजें होने के बाद मैं उनके टच में आया, और उन्होंने बताया यार प्रॉफिट किधर जा रहा है. और मैं एक दिन जाके देखा तो रात को उनके स्टाफ बड़े बड़े बर्तन भर के चावल फेंक रहे हैं, दाल फेंक रहे हैं, दाल खट्टी हो गई, चावल बासी हो गया. ऐसा तो मैंने बोला ये भाई ये तुम्हारा प्रॉफिट है, ये जो वेस्टेज में जा रहा है, इस चीज को बनाने के लिए गैस लगता है, तेल लगता है, हीट लगता है, लेबर लगता है, आपने ये चीज खरीद के लाई है और रात को आप ये सब फेंक रहे हैं, ये आपको प्रॉफिट है. सो वेस्टेजेस और पिलफरेजेस पे आपका आपकी गिद्ध की नजर होनी चाहिए, आपकी ईगल्स की एक कौवे की नजर होनी चाहिए. यू शुड बी वेरी शार्प, आपने बहुत शार्प होना चाहिए, क्योंकि वो जो वेस्ट है वो आपके पॉकेट से जा रहा है, वो वेस्ट किसी और के पॉकेट से नहीं, आपके पॉकेट से जा रहा है. और चौथा है मार्केट रेलेवेंस. मार्केट रेलेवेंस का मतलब है कि आपका जो रेस्टोरेंट है वो रेस्टोरेंट से रिलेटेड आजू बाजू में जो बाकी के आपके टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स मैच करते हैं उनका प्राइसिंग क्या है, उनके प्राइसिंग से आप डबल या फिर 50 टाइम्स ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि जो कस्टमर्स आने वाले हैं, जो गेस्ट आने वाले हैं, वो सब आजू बाजू के आपके और उनके रेस्टोरेंट्स को के पास जाएंगे और वो कंपेयर करेंगे. तो आप एक 10-20% ज्यादा कम ले सकते हैं प्राइसिंग, बट मोर और लेस सिमिलर भी रख सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कम ले सकते हैं आपके डेकोर के हिसाब से, बट मेक श्योर कि आप वो भी स्टडी करें. बहुत लोग अपना रेस्टोरेंट का प्राइसिंग इतना हाई रख देते हैं कि कस्टमर एक बार आने के बाद नेक्स्ट टाइम आता ही नहीं है और उनका रेस्टोरेंट क्लोज डाउन हो जाता है. तो मेक श्योर आप वो गलतियां ना करें. आप ये मेनू प्राइसिंग का जो पॉइंट्स मैंने दिए हुए वो दिमाग में रखें आपका रेस्टोरेंट का प्राइसिंग फाइनलाइज करने के टाइम पे. मुझे पता है ये एकदम ही हॉट टॉपिक नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है कि जो टॉपिक्स एकदम हॉट नहीं होते वही टॉपिक्स हमारे लाइफ में, हमारे हम जो चीजें करने जाते हैं उसमें हमको ज्यादा एडवांटेज देते हैं, ज्यादा फायदा देते हैं. सो
आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर आप नए हैं, अगेन आप सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल पे, आप मेरे वीडियोस देखिए, आप मुझे सवाल पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आप मुझे सवाल पूछते हैं, क्योंकि नए नए सवाल पूछने के बाद मुझे पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स मैं मेरे अगले वीडियोज में कवर करूँ, जिससे मैं आपको आपका रेस्टोरेंट चालू करने में सहायता कर सकूँ, और आपका रेस्टोरेंट चालू करने के बाद आपका एक एक बेहतर जिंदगी, बेहतर लाइफस्टाइल आप जी सके और एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाए। थैंक यू सो मच फॉर, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।